नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं जनता टीवी। एक बार फिर से हम आ गए हैं आपका फेवरेट शो बोल जनता बोल लेकर। गुरुग्राम में महिला के साथ मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में युवक महिला को डंडे से बेरहमी से पीट रहा है। इतना ही नहीं बल्कि आरोपी ने महिला के पति को भी जान से मारने की धमकी दी है। और बताया जा रहा है कि गुरुग्राम के पटौदी रोड इलाके में बीच बाजार महिला के दफ्तर में घुसकर ये मारपीट की गई है। और आरोपी कादीपुर गांव का रहने वाला है, जिसका नाम गजेंद्र उर्फ गोलू बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, लेकिन आज का बड़ा सवाल ये है कि आखिर दबंगों में कानून का खौफ क्यों नहीं है। बोल जनता बोल पर हम आज इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर दबंगों में कानून का कोई डर क्यों नहीं रह गया है। क्यों दबंग इतने बेखौफ होकर खुलेआम घूम रहे हैं कि एक डंडा लेकर सरेआम एक महिला और की पिटाई की जाती है, उसके पति को जान से मारने की धमकी दी जाती है, बकायदा महिला के दफ्तर में घुसकर ये मारपीट की जा रही है। तो आखिर इतने बेखौफ दबंग ये क्यों है? क्यों कानून का खौफ इन दबंगों में नहीं रहा है? डंडे से एक महिला की सरेआम पिटाई कर दी जाती है, उसके दफ्तर में घुसकर ये पिटाई की जाती है और साथ ही साथ उस महिला के पति को भी मारने की धमकी दी जाती है। आपको बता दें कि पूरा जो वाक्य है गुरुग्राम का है। तो आज हम इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर क्या लगता है आपको कि कानून व्यवस्था का व्यवस्था में परेशानी है या फिर दबंगों का जो खौफ है हुई क्या बात है भाई, वो कम होता जा रहा है कानून के खिलाफ। क्या हो गया है? महिला के दफ्तर में घुसकर ये मारपीट की जा रही है। और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज। मनोज क्या कहेंगे? मतलब जिस तरह से इस महिला को पीटा जा रहा है, मुझे लगता है कि पुलिस का तो खौफ खत्म होता जा रहा है, लेकिन समाज कुछ लोग पीछे भी खड़े हैं, मुझे जैसा दिख रहा है। लेकिन समाज के लोगों को भी कमी है, समाज क्यों नहीं इस तरह की आवाज उठाता? पुलिस तो है ही जिम्मेदार, बट मीडिया भी इस तरह के मुद्दों को कुछ दिन के लिए उठाता है, फिर दबा देता है। तो शायद मीडिया को, पुलिस को, समाज को, सबको आगे आना होगा, तभी इस तरह के मुद्दों को हम समाज से मिटा सकते, इस तरह की बुराइयों को। तो इसके लिए हम समय समय पर हमें बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक महिला के दफ्तर में घुसकर कुछ दबंग उसके साथ मारपीट करते हैं, डंडे से उस महिला की पिटाई की जाती है और साथ ही साथ उस महिला को उसके पति के लिए भी धमकी दी जाती है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। आखिर ये जो गुंडे हैं, इनका दिल इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? क्या पुलिस और कानून का खौफ इन दबंगों में नहीं रहा है? क्या लॉ एंड ऑर्डर को ये नहीं समझते हैं जो इस तरह सरेआम लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है? आपकी राय जानेंगे, आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए। 011-4321-4321 पर कॉल कीजिए। और आरपी सिंह हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। आरपी सिंह क्या कहेंगे? ये हमारे देश में कानून का राज कब होगा? ये जंगल राज कब तक चलेगा? बड़े बड़े लोग इतने बड़े अपराध करके बहुत जल्दी जमानत पा जाते हैं, छोटे छोटे लोग छोटे से अपराध में पूरी जिंदगी जेलों में बिता देते हैं। हमारे यहाँ पर कानून की व्यवस्था, न्याय व्यवस्था कब होगी? इस तरह के अपराधी, इनको तुरंत क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता है? इनको जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं ले जाया जाता है? हमारे यहाँ की पुलिस व्यवस्था, हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था, ये हमारा लोकतंत्र है कि या भीड़ तंत्र है, भेड़ तंत्र है, कौन सा तंत्र है? जी आरपी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आरपी का भी यही कहना है, लगातार हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, दर्शकों का कहना है कि दबंगों में कानून का कोई खौफ नहीं है, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, आखिर क्यों ये अपराधी डर नहीं रहे और खुलेआम घूम रहे हैं? आखिर कब होंगी सुरक्षित महिलाएं? बड़ा सवाल। नवीन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नवीन क्या कहेंगे? मैम जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इसमें पुलिस प्रशासन की ढिलाई है, पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं करती। मेरा एक खुद का मुकदमा है सन 2015 का, उसमें पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। चलिए, नवीन कुमार जी ने अपनी राय दी, आप भी राय दीजिए। लगातार हम एक नंबर फ्लैश कर रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, आप वहां से नंबर को डायल कर सकते हैं और अपनी राय हमें दे सकते हैं। आपको बता दें कि
जिस तरीके से लगातार अपराधियों में दबंगों में कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है, ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि कब सुधरेंगे ऐसे हालात। पुलिस ने हिरासत में आरोपी को ले लिया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है आखिर दबंगों में कानून का खौफ क्यों नहीं रह रहा है, आखिर कब महिलाएं सुरक्षित होंगी। राय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। हेलो जी, बोलिए राय कुमार जी। जी हेलो सर जी, राय कुमार जी अपनी राय दीजिए। हाँ जी, हाँ जी मैडम, जो ये महिला को मार रहे हैं, ये पास खड़े आदमी, ये क्या देख रहे हैं सर, ये क्या देख रहे हैं, ये तमाशा देख रहे हैं, अगर ये आदमी चाहे तो ये रोक सकते हैं मारने से। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राय कुमार जी। मैडम गब्बर के राज में गुंडागर्दी चल रही है लगातार, जेल प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो चीजें हैं उनमें सुधार किया जा रहा है, सख्त कानून बनाए जा रहे हैं, उसके बाद भी इस तरीके की यदि वारदातें घटनाएं सामने आ रही है तो बड़ा सवाल यही है क्या इन दबंगों के दिल से कानून का खौफ खत्म हो चुका है, आखिर ये गुंडागर्दी कब खत्म होगी। पुलिस प्रशासन की ढिलाई है, क्यों चरमराई हुई ये व्यवस्था है, आखिर कब महिलाएं सुरक्षित होंगी, क्यों बेखौफ घूम रहे हैं ये दबंग। बोल जनता बोल में आज हम इसी पर बात कर रहे हैं, जिस तरीके से कानून को ताक पर रखकर लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर ये गुंडे अपनी दबंगई दिखा रहे हैं। रमेश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए। जी रमेश कहिए। हाँ मैम, ये जो दिखा रहे हैं ये पुलिस प्रशासन की नाकामी है, इनको चौराहे पे खड़ा होकर गोली मार देनी चाहिए ऐसे अपराधियों को। चलिए लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, आप भी फोन उठाइए, कॉल कीजिए हमें और अपनी राय साझा कीजिए। जिस तरीके से एक के बाद एक वारदातें बढ़ती जा रही हैं और जो गुंडे हैं उनके दिल बढ़ते जा रहे हैं, लगातार एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं गुंडे, आखिर कब सुधार होगा इस सिचुएशन में। लालचंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लालचंद शर्मा कहिए। जी लालचंद जी। हेलो जी लालचंद जी कहिए, क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में। मैडम देखो, ऐसी जगह पटौदी जहाँ ये बात वारदात तो ऐसी दिखा रहे हैं, है जी, एक तो शहर का बीच है बिल्कुल, है जी, हाँ जी, और उसके बावजूद जो लोग और दिख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ना पुलिस आ रही है इतनी देर से, इतनी देखिए पुलिस का तो डर कहीं रहा ही नहीं, पुलिस का तो देश में ही नहीं रहा पूरी में, हरियाणा की तो बात ही छोड़ दो, देखो क्या क्या औरतें हो रहा है, 3 साल की लड़की को देखते नहीं, 13 साल की को लड़की को देखते नहीं, 26 साल की लड़की को देखते नहीं, है जी, कोई औरत और बच्ची कोई सुरक्षित तो है ही नहीं इनके राज में। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद शर्मा जी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दलबीर बहादुरगढ़ से। जी दलबीर कहिए। मैम मैं ये बताना चाह रहा था कि ये देखो अभी इस महिला की जो पिटाई हो रही है, हमारे जो मंत्री जी हैं अनिल विज जी हैं वो पुलिस के ऊपर काफी सख्त बता रहे हैं, मनोहर जी हैं बीजेपी हैं, उन्होंने, मैं किसी चुनावी मतलब पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक बोल रहा हूँ, कोई इसको मेरा राजनीतिक बयान है ही नहीं मेरा बिल्कुल भी। अभी कहाँ है जो 2 महीने पहले वोट मांग के आए थे, दुष्यंत जी कहाँ है, हुड्डा साहब कहाँ है, और कहाँ मतलब कौन इसके ऊपर, या किसी सांसद या विधायक या किसी अफसर की बेटी या बहन के साथ ऐसी बदसुलूकी होगी तो क्या ये आरोपी ऐसे ही घूमेगा, आप बताइए। एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, राजेंद्र सिंह नेगी। जी राजेंद्र जी राय दीजिए। मैडम हिमाचल प्रदेश के सरका घाट से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। जी मैडम, ये आज के समय में जरूरत सिर्फ बलात्कार की नहीं बल्कि औरतों के खिलाफ होने वाले हर तरह के अपराधों के प्रति जो है लोगों को संवेदनशील बनाने का जो, और लोगों की मानसिकता कुछ ऐसी हो गया कि धन बल और बाहुबल से वो जो मर्जी कर सकते हैं, खांसी का खौफ खत्म है, दबंगों को पीछे से किसी न किसी का सहारा है, और ये समाज में इनको पाठ्यक्रमों में स्कूलों में ये पढ़ाया जाए कि औरतों की इज्जत कैसे की जाए, वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है,
और इस तरह से जो इस व्यक्ति ने जो जिस तरह से वो किया, एक नजीर पेश होनी चाहिए इसको, ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि, और विसल ब्लोअर बनना चाहिए। ये जो पीछे खड़े होकर के लोग तमाशा देखते हैं, अगर ये लोग उसको पकड़ते और 100 नंबर पे फोन करते तो क्या प्रॉब्लम थी। और ये तो हरियाणा में अब तो गब्बर सिंह का राज है, फिर भी अगर इसको सजा ना मिली तो ये बहुत शर्म की बात होगी। बिल्कुल नागेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, सही कहा आपने, जो सोसाइटी है उसे आगे आना चाहिए। एक और दर्शक हमारे साथ, कल्पना जम्मू से जुड़ गई हैं। कल्पना जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? मैं ये कहूंगी कि देश की कानून प्रक्रिया बहुत ढीली है, इसको सख्त बनाना होगा। क्यों इन बलात्कारियों और ऐसे लोगों के हौसले क्यों बुलंद है, क्यों महिलाओं पर अत्याचार करते हैं? क्योंकि इन्हें पता है जेल में जाएंगे तो वहां पर मोबाइल चलेंगे, वहां पार्टीज होंगी, वहीं से रंगदारी का ऑर्डर दे देंगे, पुलिस को पैसे देने हैं और कुछ भी नहीं होगा। जेल प्रशासन में भी हमें सुधार लाने हैं। और ये जो ऐसे लोग हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक हम कानून प्रक्रिया को सख्त नहीं बनाएंगे तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कल्पना जी सही कहा, एंटी सोशल एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था सख्त होनी चाहिए। एक और दर्शक हमारे साथ, तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं एक के बाद एक। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर आखिर कहाँ है? जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, और इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ मोहन दास लुधियाना से जुड़ चुके हैं। जी मोहन जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? ये अच्छे जो लेडीज का ये हाल कर रहे हैं, जो डांगों से पीट रहे हैं, ये हिंदुस्तान में रहने के काबिल है? ये राजपाट कर रहा ले, ये इतनी गुंडा कर दी? बिल्कुल जी मोहन दास, बहुत बहुत शुक्रिया जी। गब्बर के राज में गुंडागर्दी हो रही है, एक महिला की सरेआम डंडे से पिटाई की जा रही है और लोग वहां मुख दर्शक बने हुए देख रहे हैं। और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आकाश गुरुग्राम से। जी आकाश, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? ये जो घटना है बहुत दुखी घटना है कि एक तरीके से जो है एक लाठी से महिला को पीटा जा रहा है। अगर महिला इसको पलट के जवाब देते तो फिर वो मतलब महिला क्योंकि वो सहनशील होती है, उसको पलट के जवाब नहीं देती, तो एक तरीके से अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। इस तरह की गुंडागर्दी को रोकना चाहिए। अभी जितना महिलाओं के खिलाफ महिलाओं के समर्थन में माहौल चल रहा है, इतना बड़ा कांड हुआ, निर्भया कांड हुआ, सबसे बड़ी बात हमारी पुलिस व्यवस्था है जो उसको कानून को ढंग से काम नहीं करती। जैसे निर्भया केस 2012 चल रहा है, अब 7 साल हो चुके हैं, उनकी माँ इतनी परेशान होती है कि लेकिन उनके जो वकील है उनको करोड़ बड़े बड़े वकील मिल जाते हैं इनके इस तरह के आबादी को, जैसे रमाकांत कौर, तनवी शुक्ला ऐसे जो करोड़ों रुपए लेके और उनके केस लड़ते हैं। और दूसरी बात, मैंने मानवता अधिकारों की बातें होती हैं, लेकिन जो महिला जो जो मर गई या उनका शोषण होता है या इस तरह पीटी मतलब पिटाई लगती है, उनकी कोई बात नहीं करता। मतलब उनकी बात तो सब करते हैं लेकिन कानून की अदालतों में उनकी बातों को नीचे रखा जाता है, उनकी बातों को अपराधी की संरक्षण ज्यादा किया जाता है। तो इस तरह जब तक कानून व्यवस्था की सोच को, जजों की सोच को भी अपना बदलना पड़ेगा। बिल्कुल सही आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कानून की जो व्यवस्था है वो बदलनी चाहिए और वकीलों को भी ऐसे गुंडों के केसेस नहीं लड़ने चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए ऐसे केसेस में। आपको बता दें कि ये शख्स जिसका नाम गजेंद्र उर्फ गोलू बताया जा रहा है, इसने एक महिला के ऑफिस में घुसकर उसकी पिटाई की। और इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से, सैयद। सैयद, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? सैयद जी, सभी दर्शकों से हम अपील करना चाहेंगे कि अपने टेलीविजन के वॉल्यूम जो है उसे कम कर दीजिए जिस दौरान आप हमें कॉल कीजिएगा, क्योंकि ऐसे संपर्क साधने में दिक्कतें आती हैं। सैयद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, ये जो लेडीज को मार रहे हैं देखो, ये बहुत गलत चीज है, ये एक अवैध जुर्म है ये। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जी। जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जहां एक शख्स गजेंद्र उर्फ गोलू नाम का ये शख्स एक महिला के दफ्तर में घुसता है, उसे डंडे से पीटता है और निकल जाता है। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इस शख्स को, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर महिलाएं कब सुरक्षित होंगी। एक दर्शक हमारे साथ कृष्ण कुमार जुड़ चुके हैं कैथल से। कृष्ण, क्या कहेंगे?
मैं नहीं कहना चाहता हूँ, ये सरकार बड़े बड़े वादे करती है, तेजोगत कहती है गर्दन काट दूंगा, और यहाँ कुछ भी नहीं कर रही, देखा लगातार ये पीटने लग रहा है इसको, लेडीज को। बिल्कुल बिल्कुल कृष्ण कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी राय साझा कीजिए, फोन उठाइए, कॉल कीजिए 011-4321-4321 पर और राय साझा कीजिए। जिस तरीके से ये एक बेरहम गुंडा एक महिला की पिटाई कर रहा है डंडे के साथ, क्या कहेंगे आप? हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर आखिर कहाँ है? क्यों गब्बर के राज में गुंडागर्दी चल रही है? एक दर्शक अंबाला से प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, क्या कहोगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अपना लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रह गया हरियाणा के अंदर जी। हर एक जगह गुंडागर्दी हो रही है, कोई भी इलाका ले लो हरियाणा का, तो हमारे गब्बर साहब क्या कर रहे हैं बैठे हुए सीट के ऊपर? आखिर ये जो गुंडे हैं इनमें कानून का डर क्यों नहीं है प्रेम कुमार? ये जो पुलिस की सारी वो है जी, पुलिस की नाकामी है तभी तो इनको डर नहीं है, कोई कानून नहीं है इनके खिलाफ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक महिला की बेरहमी से उसके ऑफिस में घुसकर पिटाई की जाती है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से इस महिला की डंडे से पिटाई की जा रही है, क्या कहेंगे आप ऐसी व्यवस्था पर? चौकी दादरी से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बलवीर, क्या कहेंगे आप ऐसी व्यवस्था पर? ऐसा है मैडम जी, ये राजनीति खराब तो कर रही है सारा देश में। सरकार पब्लिक ने वोट तो दिए सरकार के खिलाफ, फिर जोड़ करके सरकार बना दिया, अच्छा जा रहा हूँ यही। चलिए बलवीर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कानून व्यवस्था चरमरा गई है क्या? बड़ा सवाल है, हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? कब बंद होगी ये गुंडागर्दी? आखिर महिलाएं कब सुरक्षित होंगी? हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? इन तमाम सवालों के साथ हम मौजूद हैं बोल जनता बोल प्रोग्राम के जरिए, और आप हमारे साथ अपनी राय शेयर कर सकते हैं। कॉल कीजिए, नंबर घुमाइए और साझा कीजिए अपनी राय। पीके यादव एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीके जी क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? बहुत बहुत धन्यवाद, डिटेल बताएंगे प्लीज जी। जी, जिस तरीके से एक गुंडा एक महिला के दफ्तर में घुस जाता है, उस महिला की पिटाई की जाती है, महिला को धमकी दी जाती है और गुंडा वहां से फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस ने उस गुंडे को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके की जो गुंडागर्दी आखिर कब बंद होगी? ये जो महिलाएं हैं आखिर कब सुरक्षित हो पाएंगी? हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? जी हाँ, एक तो ये सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, और आज यत्र नारियेषु तत्र देवता रमन्ते, यत्र नारियेषु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, ये हमारा एक भारतीय संस्कृति की पहचान भी है। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। क्या ये देवता यहाँ निवास करेंगे? इस तरीके से महिलाओं का जब ये हाल हो रहा है, इतनी दुर्दशा हो रही है, डेली हम अखबारों में मीडिया के माध्यम से पता चलता है, कहाँ गया वो प्रशासन, कहाँ गया राम राज? हमें कांग्रेस सरकार के टाइम ये सोचा था कि बीजेपी सरकार आएगी, जब राम राज आएगा राम राज महसूस करेंगे, और आज महिलाओं की ये हालत है। मुस्लिम देशों में कई अच्छे अच्छे देशों में प्रावधान है, एक हफ्ते के अंदर गोली मार दी जाती है। ऐसे गुंडों को, ऐसे जो आपराधिक तत्व हैं, उनको क्यों नहीं उनका करवा दिया जाए? निर्भया कांड के जो दोषी हैं आज तक ऐसे ही फांसी देने के बाद भी उनके दया याचिका के लिए चल रहा है, ऐसों को तो एक हफ्ते के अंदर फास्ट ट्रैक जो कोर्ट होती है वो तो उससे भी बहुत जल्दी करके एक हफ्ते के अंदर शूट कर देना चाहिए ऐसे अपराधियों को। उनके तो समाज के अंदर उनका कोई चुनाव जैसे कोई चिन्ह भी नहीं छोड़ना चाहिए, कैसे सबूत के आने वाली पीढ़ी उनका अनुसरण कर सके। इतनी महिलाओं की दयनीय हालत हो रही है, फिर भी प्रशासन सोया रहता है, डेड बॉडी सड़क पे रख करके FIR दर्ज करवानी पड़ती है, बड़ी शर्म की बात है जो पुलिसकर्मी। बिल्कुल बीके यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई दिन ऐसा नहीं गया है जब अखबार की सुर्खियों में इस तरीके की खबरें पढ़ने को ना मिलती हो। जिस तरीके से लगातार जो दर्शक है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार और फिर से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदीप पंजाब से जुड़ गए हैं। प्रदीप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन का डर नहीं रहा जी जनता में भी, क्योंकि प्रशासन घूसखोर हो गई है, करप्शन इतना ज्यादा हो गया है कि कोई भी हत्या का या फिर कोई भी ऐसा मामला करने के बाद वो जेल में जाने के बाद फिर से छूट सकता है, उसको पता है, इसलिए इतने बड़े कांड को वो अंजाम दे रहा है जी।
जी प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सभी जो लगातार दर्शक जुड़े हैं, सभी का कहना है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरीके से जो ये गुंडे हैं उनके अंदर कानून का खौफ बैठ सके। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, किस तरीके से एक गुंडा एक महिला की पिटाई कर देता है, क्या कहेंगे आप? और लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, तो शाम से एक दर्शक बलबीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलबीर, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? हेलो जी बलबीर, क्या कहेंगे? जी मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे आदमियों को सरेआम चौक के ऊपर हथकड़ी लगाकर पिटाई करनी चाहिए, इसी तरह पूरी तरह पिटाई करनी चाहिए, लोगों को ये पता चले गए। बलबीर, सिर्फ ये ही मामला नहीं है, इस तरीके के रोजाना ही मामले आते हैं जहाँ महिलाओं को पीड़ित प्रताड़ित किया जाता है, और ये एक नया मामला सामने निकल कर आया है जहाँ डंडे से पिटाई की जा रही है महिला की। बहुत ही दुखदायी बात है जी, ये तो बहुत ज्यादा जुल्म की बात हो रही है। चलिए बलबीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सवाल वही है, फिर वही सवाल कि आखिर हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? क्या गब्बर के राज में गुंडागर्दी अभी भी चल रही है? आखिर ये गुंडागर्दी कब बंद होगी? आशा हमारे साथ एक दर्शक भटिंडा से जुड़ गए हैं। आशा, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? मैम, मैं बताना चाहूंगी, सरकार और प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बाद में आती है, पहले जो इस महिला को पीटा जा रहा है, सरेआम पीटा जा रहा है ऑफिस में, है ना, डंडे से पीटा जा रहा है, वहाँ लोग भी खड़े हैं, दो तीन बंदे साथ में घूम रहे हैं आसपास, कोई छुड़ा ही नहीं रहा, वो बाहर तोड़। बिल्कुल आशा, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का सवाल ये है कि आखिर जो लोग हैं, क्या उनके अंदर से संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है? जिस तरीके से एक दफ्तर के अंदर ये गुंडा घुसता है, वहां मौजूद लोगों ने आखिर इस महिला को क्यों नहीं बचाया? सवाल ये भी है, सवाल सोसाइटी से भी है कि आखिर सोसाइटी इतनी संवेदनहीन कैसे बनती जा रही है? और दूसरा सवाल जो है वो हमारा प्रशासन से है, आखिर इसी तरीके से अगर व्यवस्था चरमराई हालत में चलती रही तो महिलाएं सुरक्षित कब होंगी? ये जो तमाम वादे किए जाते हैं वो सब फेल होते जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर से, इस वीडियो के जरिए सभी वादे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर कब बंद होगी ये गुंडागर्दी? लगातार राय के साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। रोहतक से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतीश, क्या कहेंगे सतीश इस पूरे मामले पर? नमस्कार जी। जी सतीश, इसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा ये कर रहा है सरेआम, इसकी भी ऐसी पिटाई की जानी चाहिए जो एक महिला के साथ अन्याय कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई दिन ऐसा नहीं गया जब अखबारों की सुर्खियों में इस तरीके की खबरें ना हो, कोई टीवी चैनल, कोई डिबेट ऐसी नहीं है जहां इस तरीके की खबरों को शामिल ना किया गया हो। सख्त कार्रवाई की जरूरत है, जहां एक तरफ बेटियों को लक्ष्मी के तौर पर पूजा जाता है तो दूसरी तरफ वहां महिलाओं का रेप किया जाता है, प्रताड़ित की जाती है महिला। और ये नया वीडियो जो आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं खुद कि एक महिला को कितनी बेरहमी से पीटा जा रहा है, पिटाई की जा रही है, लोग मौजूद है, दफ्तर के अंदर घुसकर मारा जा रहा है, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है।